नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी, कच्चे केले की सब्जी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। केले की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 5 केले लिए हैं, तो वज़न भाई ये 500 ग्राम है। तो सबसे पहले हम केले का छिलका निकाल देंगे, तो इसका ऊपर का पार्ट इस तरह से कट कर देंगे और हल्का हल्का इसे ऊपर से भी इस तरह से हम काट लेते हैं। तो केला हमने छील लिया है और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। तो सभी केलों को इसी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। सारे केले हमारे कट चुके हैं और इधर हमने एक बड़ा चम्मच कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। वो केले को पहले हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। पहले सबसे केले को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो बस इतना ही फ्राई करना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बाकी के केले बचे हैं तो उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे केले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब सब्जी बनाएंगे। तो जो तेल हमारा कढ़ाई में बचा है उसी में हम सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो अब एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं, एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और अजवाइन और हींग को अच्छे से भून लेंगे। खड़े मसाले और अजवाइन भून चुकी है। एक बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक काट के लिया है इसे भी डाल देंगे। प्याज को मैं हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेती हूँ, तो मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्की भून गई है, हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। अब 1 इंच अदरक लिया था तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, तो इसे भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम प्याज के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। लहसुन प्याज भी देखिए अच्छे से भून चुके हैं, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही लेंगे नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2 चम्मच पानी डाल लेंगे, तो पानी डालकर मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला भी देखिए अच्छे से भून गया है, तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, तो इसको बारीक काट के लिया है। आप चाहो तो टमाटर का पेस्ट या प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर के साथ भी मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, तो हमें जब तक पकाना है कि हमारे ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे हम ढक देते हैं जिससे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर और मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो देखिए तेल एकदम सेपरेट हो गया है। तो अब 2 हरी मिर्च लिए मैंने, तो स्लिट करके लिए इसे डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी, तो इसको इस तरह से रब करके डालेंगे और इन्हें भी मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। तो इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे हम। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट और भी डबल हो जाएगा, तो आप भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। कसूरी मेथी और हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं। जो केले फ्राई करके लिए थे, तो केले को डाल लेते हैं। केले डालकर मसाले के साथ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और मसाले के साथ मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट इसे हमें पकाना है, जितना कि हमारा ये मसाला इस पर पक जाए। उसके बाद हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। मसाला देखिए हमारा सभी केलों पे एकदम इक्वल लग चुका है और इसे हम 1-2 मिनट भून लेते हैं मसाले के साथ। तो अगर आपको सूखी सब्जी खानी है तो इसको इस तरह से ढककर पका सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो केले भी हमारे मसाले के साथ भून गए हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मैंने 1/2 ग्लास करीब पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, तो आप 1 ग्लास तक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालकर इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे।
केले की सब्जी को बनते हुए 5 मिनट हो चुकी है, तो पानी जो डाला था वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो देखिए कितनी बढ़िया एकदम सब्जी हमारी बन के तैयार हुई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इसे हम सर्व कर लेते हैं।